So very 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 good morning you guys, welcome to Ananya's Vegan Lifestyle Vlogs. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बनता है, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जो नीचे उसको प्रेस करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि चैनल सब्सक्रिप्शन फ्री है और आप ऐसे ही मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देख पाओगे. सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल एंड देन लेट्स मूव विद टुडेज न्यू व्लॉग. पहली अपडेट सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं हो गई हूँ नॉर्मल सी रेडी, नहा धो लिया है एंड घर ही घर में बैठी हूँ. आज मैंने एक नया लिपस्टिक ट्राई किया है जो पुराना था बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया था. मिस क्लेयर का मैट लिपस्टिक है ये. कलर काफ़ी डिफरेंट है, ब्रिंजल कलर डार्क में है, थोड़ा सा मेटालिक टच है. तो ये लिपस्टिक मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया था बहुत दिनों से. एक ही बार यूज़ किया था तब मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत गंदा कॉम्प्लीमेंट दिया था तो तब से मैंने इसको ट्राई नहीं किया था. तो आज जस्ट आई थॉट टू ट्राई इट आउट क्योंकि हस्बैंड है नहीं यहाँ पे. ऋत्विज की मैंने सारी तैयारी कर ली है, डेली कोर्स हो चुके हैं, नहा धो के वो सो रहा है, खिलाना पिलाना भी उसको ऑलमोस्ट हो चुका है. अभी मैं उसको देने वाली हूँ बॉयल एग, या मे बी मैं उसको थोड़ा सा हाफ फ्राई करके दे दूँगी एग. एंड एग का पीला मैं उसको देती नहीं हूँ तो अभी ये जब उठेगा तब मुझे वो चीज़ उसको खिलानी पिलानी है. अदरवाइज़ मुझे रूम साफ़ करने, क्योंकि रूम की हालत आज काफ़ी ख़राब है. कल मैं पूरा दिन बाहर गई थी अपनी मम्मी एंड सिस्टर के साथ तो दैट्स वाई मैंने कल रूम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. और जब बच्चा एक रूम में होता है तब आपने रूम में ध्यान ना देना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है जो हुआ है. और कल का मेरा जो सामान था वो भी अभी रूम में पड़ा है, मैंने उसे भी हाथ लगाया नहीं तो मुझे वो भी करना है. कल मैं बैग पैक करके गई थी उसको लेके जाने के लिए, मम्मी ने कहा था ज़्यादा कपड़े लेके आना हो सकता है ख़राब हो जाए, क्योंकि मैं अपने नेटिव प्लेस पे गई थी, मेरे नाना जी की नेटिव प्लेस पे वरसई में, जिसका मैंने पुराने दिनों में एक ब्लॉग बनाया हुआ था शिवरात्रि का. अगर आपने चेक नहीं किया तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगी, आप उसको क्लिक करके वो ब्लॉग भी देख सकते हो. कपड़े तो मैंने नॉर्मल धोने को डाल दिए तो वो कुछ टेंशन नहीं है, भाई आके कर लेगी. तो अभी हम देखते हैं कि मैंने क्या पहले करना है. जो भी आगे का खाना वाना है वो तो आराम से बन जाएगा बट ये काम होना मुश्किल हो जाएगा तो हम पहले ये काम कर लेते हैं. और जब तक ये सो रहा है यहाँ पे इसको अच्छे से सोने दो. और इसने वैसे ही बहुत बेड ख़राब कर लिया है तो बेड हम लास्ट में करते हैं, नीचे वाली चीज़ें पहले करते हैं. अगर आप लोग लेना चाहो तो आपकी ज़िम्मेदारी पे आप देख सकते हो. ये था एक ओवरलुक मेरे रूम का और क्लीन होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसी दिखती है मेरी रूम. टॉक टू यू लेटर, बाय गाइस. दिस इज हाउ माय रूम लुक्स लाइक साफ करने के बाद. ये एरिया पूरा क्लीन है. और ये यहाँ पे रो रहा है जस्ट बिकॉज मैंने इसको लेना जरूरी है ना. काय जाला ओए. कुछ कुछ पार्ट्स अभी भी मैंने ऐसे कैसे छोड़े, इन द सेंस क्लीन कर लिया मैंने बट कुछ सामान मेरा पड़ा है. जैसे ऋत्विज की प्रैम में मेरे आइनिंग को देने के लिए कपड़े पड़े हैं जो मुझे देने दो बैग्स भर चुकी है और मैं अब तक डिले कर रही हूँ. मैं हमेशा बोल ही जाती हूँ इसको लेके जाने की, पता है. एंड यहाँ पे है तकिया एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई है. और ये वाला ऋत्विज का बेल्ट ये मैंने रखा हुआ है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने ये सोचा था कि उसको उस बेल्ट पे डाल के फिर बाहर लेके जाऊंगी बट तब तक उसके पापा आ गए एंड वो उसको ले गए. सो या मैंने खाना वाना खा लिया है, अखिल भी आया था, अखिल ने भी खाना खा लिया. या ऋत्विज को मैंने आज दाल चावल खिलाया, उसके लिए मैंने स्पेसिफिक दाल बनाई थी जिसमें मिर्ची बिल्कुल भी नहीं थी. कैमरा फोकस करो. ओके, मूंग की दाल बनाई थी मैंने. मूंग को मैंने भून के लिया था अच्छे से, फिर उसको मैंने पाउडर बनाई और वो मैंने पकाई हल्दी एंड नमक एंड क्या बोलते हैं उसको
हींग डाल के, एंड फिर मैंने तड़का लगाया था, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर एंड राई का, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस दिन मेरे मम्मी ने दाल बनाई थी तो वो उसको खिलाई थी तो उसे बहुत पसंद आई, एकदम माइल्ड सी दाल थी। नाउ आई एम गिविंग हिम मैश्ड पोटैटोस, बॉईल करके मैंने उनको पूरा मैश कर दिया है, एंड बीटरूट मैंने रखे थे बॉईल होने के लिए, तो वो भी हो चुका है, वो मैं उसको शाम को दूंगी, बीटरूट का सूप पूरा छन्नी से छान लूँगी एंड बस पानी पानी दूँगी उसको, तो उसको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। एंड ये अभी प्लेट खींचने की कोशिश कर रहा है। बज रहे हैं शाम के 7:30, और क्या हुआ था पता है, ऋत्विज दोपहर से सो ही नहीं रहा था, दोपहर में सोया वो कुछ 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद से जो वो उड़ गया है वो अब तक नहीं सोया था। जनरली वो दोपहर में 2-3 घंटे सोता है, फिर शाम को भी 1-1.5 घंटा सोता है, बट वो 7, I think 7:15 बजे तक सोया नहीं था। तो आई वॉज जस्ट वरीड कि अगर ये ऐसा ही जगता रहा या ऐसे ही खिलता रहा तो मेरे काम कैसे होंगे, बिकॉज वो मुझे कुछ करने नहीं दे रहा था, मुझे वीडियो एडिट करना था एक। फाइनली द मिशन इज़ कम्प्लीट, यहाँ पे वो सो रहा है टेंट डैन, और जैसे आप देख रहे हो अभी भी लैपटॉप खुला है, मैं व्लॉग एडिट करने की अब सोच रही हूँ, क्योंकि वो सोने के बाद मैं 15-20 मिनट रिलैक्स हो गई, अब उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अच्छे से मेरा व्लॉग एडिटिंग, मोस्ट प्रोबेबली वो उठने तक मैं कम्प्लीट कर लूँगी, इट्स माई टारगेट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड अभी मैं एक्चुअली चेंज कर चुकी थी नीचे जाने के लिए, मुझे चाय पीनी थी अच्छे से और वो मुझे पीने नहीं दे रहा था, तो आई जस्ट आस्क्ड अखिल कि तुम इसको लेके जा सकते हो आधे घंटे के लिए, तो आई कैन हैव माय टी प्रॉपरली, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ जो मुझे शांति से पीना बहुत अच्छा लगता है, सो वो लेके गया था, बट वो आ गया आधे घंटे बाद। आई थिंक मैं ये उठने के बाद चली जाऊँगी, एक दो काम है वो निपटाने हैं मुझे, बट लेट्स सी कि कब तक सोता है, इसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये उठने के बाद मुझे इसको उसका मील भी देना है, जो सॉलिड मील है उसका शाम का, वो अब तक दिया नहीं है मैंने, सो आई गिव दैट एज वेल। फिर और कुछ काम नहीं है, एंड एक और चीज़ है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है बाद में, एंड देन सी यू बैक फॉर लाइटर्स। सो गाइस, जैसे मैं बोल रही थी आपको कि ऋत्विज नहीं सो रहा है, वैसे ही हुआ, I just realized that Ruthvij उठने की पोजिशन ले रहा है, एंड गेस वॉट, Ruthvij उठ गया एंड वो अभी भी उठी हुई पोजिशन में है, एंड आई एम ऑल सेट टू गो अखिल के पास, क्योंकि मुझे अखिल को बहुत बोर हो रहा है फिलहाल, सो मैंने ये बेल्ट वेल्ट लगा लिया है, जो बेल्ट आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैंने Ruthvij के लिए नया परचेस किया था, मैं इसको यहाँ पे बांध के फिर मैं निकल जाऊँगी। मैंने बस एक लिपस्टिक लगाया है, बाकी फेस पे कुछ नहीं लगा, बाल बस मैंने ऐसे ही टाइप किए हैं जैसे नेचुरली मम्मियाँ ट्राई करती हैं, एक पोनी में, बाकी नो हेयर स्टाइल, नो शो, नथिंग, कुछ और नहीं होता है हमारी लाइफ में। सो या Ruthvij वैसे बहुत हाई अलर्ट पोजिशन में है फिलहाल, वो कभी भी रोने का चांसेस, सो आई कैन नॉट टॉक विद यू गाइज मोर अभी यहाँ पे, प्रॉब्ली आई विल बी बैक टिल डिनर 1.5 घंटे में, सो लेट्स सी, आई एम प्लानिंग टू गो समवेयर नाउ विद अखिल, लेट्स सी, अगर वो हाँ बोल देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना बोल देता है तो मुँह उतार के आना पड़ेगा, एनी विच वेज दैट्स ओके, क्योंकि उसकी ना सुनने की अब आदत हो गई है क्योंकि वो Ruthvij को लेके बहुत कम जगह जाता है। सो आई टॉक टू यू लेटर्स आफ्टर सम टाइम, यू स्टे ट्यून्ड, सी यू। ओके गाइस, सो मैंने जैसे आपको बताया था मेरा थोड़ा सा काम था वो मैंने कर लिया है, एंड आज अखिल बहुत ज्यादा खुश थे, तो ही टुक मी आउट फॉर डिनर, कुछ प्लान आउट नहीं था, मैं कैसे आई हूँ देखिए जरा एक बार, बट वॉट इज सेड कि चलो आज बाहर खाना खाते हैं, और मेरा ही थोड़ा सा मूड था, घर में कुछ खाना बनाया नहीं था, सुबह का खाना था, तो आई जस्ट थॉट चलो आज खाना खाने जाते हैं, तो Ruthvij अभी मेरी गोद में सो रहा है,
तो हम ऐसे रेस्टोरेंट में आए हैं जहाँ पे थोड़ा सोफा एंड सारी चीजें हैं, ताकि मैं इसको रख पाऊँ प्रॉपर. अभी मैं पहुंच गई हूँ एंड आई रियली नीड टू गो, बिकॉज मैं ज्यादा लेट नहीं करना चाहती हूँ, घर पे जल्दी जल्दी जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने एक ही बॉटल लाई थी ऋतुवीज की भर के, सो दूध का प्रॉब्लम हो जाएगा. आई वॉन्ट टू गो होम ASAP. सो या आपसे करते खाना खाने के बाद बात. आई एम बैक होम और आई एम रियली सॉरी, मैं खाने का कोई भी फुटेज ले नहीं पाई बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड आई थिंक वहाँ पे कोई आज पार्टी थी किसी कॉरपोरेट कंपनी की या बर्थडे पार्टी थी, पता नहीं क्या था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी. और उसमें से ये हुआ कि ऋत्विज भी थोड़ा सा परेशान कर रहा था मुझे, इसको संभाल संभाल के ही मैंने पूरा खाना खाया है, सो दैट्स वाई ये वीडियो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया. एज यू कैन सी आई एम बैक होम और जो भी बचा कुछ मेरा काम है अभी रूम का मैं कर लूँगी. ऋत्विज ने वैसे गाड़ी में आते आते पॉटी कर दी थी अपने डायपर्स में, क्योंकि ऐसा होता है पॉटी करने के बाद फिर बहुत रोने लगता है जब तक मैं क्लीन ना करूँ. मैं खाना भी बहुत जल्दी जल्दी खाया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल खाया. हमने चिकन मंचाओ सूप लिया था एंड एक चिकन चिल्ली लिया था, दो रोस्टेड पापड़ लिए थे एंड एक चिकन बिरयानी, दैट इज़ इट. अभी जैसे मैंने बताया मैं थोड़े से रूम के काम कर लेती हूँ. थोड़ा सा अनटाइडी हुआ है रूम, तो सोने से पहले मुझे ऐसा होता है कि रूम क्लीन लगता है, सो आई डू दैट एंड फिर करते हैं गुड नाइट. ऐसे ही ट्यून रही है एंड ब्लॉग आगे बढ़ाते हैं. सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे, आज का ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म. रात के बज रहे हैं 11:30 एंड मैंने सारी बेडरूम सेट कर लिए सोने के लिए. थोड़ा बहुत जो भी था क्लीनिंग वो मैंने कर लिया है एंड बेड पूरा यहाँ पर रेडी है और अब बस मुझे सोने की देरी है. अखिल अभी तक आया नहीं है, आधे घंटे बाद आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली. दैट वाज इट फॉर टुडेज डे. आई होप ये ब्लॉग ज़्यादा बोरिंग नहीं हुआ होगा आपको, बिकॉज आज के दिन में कुछ था नहीं ज़्यादा करने लायक. बट लेट मी टेल यू दैट आई एम सो एक्साइटेड फॉर डूइंग दैट. इसके बाद वाला जो ब्लॉग आएगा वो होगा द मेला ब्लॉग. एक्चुअली हमारे घर के पास एक जगह है जहाँ पे हर साल मेला लगता है इन ठंडियों के दिनों में एंड वहीं पे ऊपर मंदिर भी है विट्ठल जी का, उसी के नीचे मेला लगता है. दैट इज़ अ फेमस मेला हमारे यहाँ का. मैं अपनी सिस्टर के साथ जाने की सोच रही हूँ और एक अच्छा खासा आपके लिए ब्लॉग बनाने की सोच रही हूँ मेले में, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वो ब्लॉग के लिए तो ज़रूर चेकआउट करना इसके बाद वाला. मेला इज़ समथिंग यू नो क्या बोल सकते हैं, टिपिकल थिंग्स होती है, मतलब वो सारे झूले होंगे एंड यू नो वो छोटे छोटे खिलौने जो होते हैं, बहुत सारे शॉप्स होंगी, फिर बहुत सारे गेम्स होंगे, छोटे छोटे खेलने वाले 10 रुपये के 20 रुपये के एंड लड़कियों के लिए बहुत सारी शॉपिंग की चीज़ें होंगी जैसे इयर रिंग्स हो, बैंगल्स हो. सो आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ टेकिंग यू गाइज अलोंग विद मी. मतलब क्या वो आज आते आते हमारा प्लान बना. मैं जनरली मेले में जाती नहीं हूँ, आई थिंक बहुत सारे साल हो गए कि मैं मेले में गई नहीं हूँ. लास्ट ईयर मैं सोचा था जाने के लिए बट मैं नहीं गई थी मेले में, बट डेफिनेटली इस साल तो मैं आपके लिए जाने वाली हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ व्लॉग ऑफ देयर, क्योंकि व्लॉग सीरियसली बहुत सही रहेगा वहाँ पे. आपको व्लॉग देखने में सच में बहुत मज़ा आएगा बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक ऑल ऑफ माई एनर्जी टू एडिट दैट व्लॉग और ऐसा एडिट करूँगी आपको सीरियसली बहुत पसंद आएगा. सो या यू कैन चेक इट आउट वंस दिस व्लॉग इज डन. इसके बाद वाला मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद वाला ही होगा. या सी यू इन माय नेक्स्ट वन. टेक केयर. बाय बाय.